Good evening. आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं क्रैंकफोर्ड शुरू करने जा रहे हैं एलिजाबेथ गैस्केल का। भाई आप लोग जल्दी पहुंचिए, एक मिनट बचा हुआ केवल। जी गुड इवनिंग अरुणा, गुड इवनिंग। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स बट अभी केवल दो ही लोग हैं। व्हाई डू दे गेट लेट आई डोंट नो। मरीन आ जाओ बेटा जल्दी से। वेरी गुड, वेलकम। चलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिकॉज टाइम फिर कम हो जाता है और बाद में दिक्कत हो जाती है। क्रैंकफोर्ड जो है इट इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एलिजाबेथ गैस्केल। It was originally published in 8 irregular installments of the magazine Household Words from 1851 to 1853. It took two time. Welcome Monica. Ek minute late ho, 5 par bilkul connect ho jao. So you will not miss anything. Okay. It was published as a complete novel in 1853. It means finally it was completed in 1853. Crenford is the type of a small town where everyone knows everything about everyone else. यानी एक छोटा सा टाउन है, फिक्शनल टाउन है, जहाँ एवरीवन नोज एवरीथिंग, हर व्यक्ति को सब पता होता है। जैसे गांव का हमारा जो जीवन होता है वो गांव में हर व्यक्ति के बारे में सबको पता होता है, अबाउट एवरीवन एल्स। इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस एंड ए सेट सोशल हायरार्की प्रेजाइडेड ओवर बाई ए ग्रुप ऑफ ओल्डर वुमेन। ये मैंने करा दिया क्या? आई थिंक ये करा दिया मैंने। हाँ ये करा दिया है मुझे लग रहा है। ओके ये करा दिया है। या कुछ रह गया था ये? हो गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मुझे लगा ये नहीं हुआ, ये हो गया था। ओके वेलकम डॉक्टर साहब, बिंदु गुड इवनिंग। ये पूरा नहीं हुआ था क्या? ओके कहां तक हुआ था जरा एक बार मुझे बताएं, मैं फिर शुरू कर देता हूँ, यही शुरू करता हूँ इसको। रह गया था कुछ शायद है। ओके यहां तक यहीं से कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। पीटर जेंकिंस इज मिस मैटी एंड डिबोराज यंगर ब्रदर। ये उनका यंगर ब्रदर होता है। तो ये तो हमें पता चला था कि जो डिबोरा है ये इसकी छोटी बहन मिस मैटी, इसको देखने की लड़का आता है। बट ओके ये नहीं हुआ था। ओके चलो यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ही इज क्लोज विद मैरी मैटी बट नॉट विद डिबोरा एंड ही इज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। मतलब जो भाई होता है वो मैटी के बड़ा क्लोज होता है लेकिन डिबोरा के क्लोज नहीं होता है। एंड इट वॉज हिज डेस्टिनी दैट ही हैज बीन टेकन बर्थ टू बी ग्रेट। ही इज एकेडमिकली प्रोमिसिंग एंड एज ए रिजल्ट अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपेक्टेशन इज प्लेस्ड अपॉन हिम। मतलब एकेडमिकली अच्छा होता है इसलिए बहुत सारी उम्मीद जो है, एक्सपेक्टेशन जो है उससे लगा ली जाती हैं। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा अगर ठीक से पढ़ने लगता है तो पूरे घर की सबकी सारे जो उसके मिलने वाले हैं सबकी जो है उम्मीदें जो हैं उससे लग जाती हैं भाई। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पीटर फाइंड्स मेकिंग मिस्चीफ अ ग्रेट डील मोर अट्रैक्टिव देन मेकिंग गुड ग्रेड्स। लेकिन स्लोली ही गोज अस्ट्रे, वो भटक जाता है एंड ही स्टार्ट्स टू टेक पार्ट इन
mischiefs and other things. He likes to play elaborate pranks that can create shock and gossip. और उसने जो है prank करना शुरू कर दिया, मतलब एकदम leak से हट गया. On one occasion, he dresses in his sister's clothing and pranks around the garden carrying what looks like a baby, intending to imply that one of his sisters has given birth to an illegitimate child. एक दिन उसने क्या किया कि उसकी अपनी सिस्टर का जो है कपड़े पहन करके और एक बेबी की तरह वो क्राई करने लगा और आसपास में लगा कि जो उसकी बहनें हैं दे हैव गिवन अ बर्थ इलेजिटिमेट चाइल्ड टू इलेजिटिमेट चाइल्ड. तो ऐसे प्रैंक उसने करने शुरू किए. गिवन दैट देयर फादर इज अ रिवरेंड एंड इज इवन मोर शॉकिंग दैन इट माइट अदरवाइज हैव बीन. और गिवन दैट देयर फादर, अब जो उसके पिता थे क्योंकि ही हैड अ यू नो पोस्ट इन चर्च, he was a church man, so it is even more shocking than it might otherwise have been. मतलब अब ये और ज़्यादा shocking थी, अगर कुछ और मतलब उनका profession होता है तो हो सकता है ये कम shocking होती. The reverend beats Peter with his walking stick, उसको walking stick से खूब पीटा उसको as a punishment which destroys their relationship for quite some time. और कुछ समय के लिए उनके बीच का जो relation था वो खत्म हो गया, बिल्कुल बिगड़ गया. Peter leaves without warning which affects his mother terribly. Peter बिना वार्निंग दिए चला जाता है जिससे उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है. सी इज ड्राइवन ऑलमोस्ट आउट ऑफ हर माइंड विद वरी. सी बिगिंस टू बिलीव हिम टू बी डेड. वो इतनी मतलब चिंतित हो जाती है, कुछ सोचने लगती है कि शायद वो मर गया है. द कम्युनिटी इन एन एफर्ट टू सपोर्ट हर कम्स आउट टू सर्च फॉर हिम. और पूरी कम्युनिटी जो है उसको ठीक करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसको ढूंढने लगती है. अ फ्यू डेज लेटर अ लेटर अराइव फ्रॉम पीटर. और कुछ दिन बाद जो है पीटर का एक लेटर आता है. He is going to work on board a ship and his parents want to persuade him to change his mind. वो किसी मतलब बोर्ड, वो मतलब जहाज से कहीं, पानी के जहाज से कहीं, शिप से कहीं जाता है, जाना चाहता है, जा रहा था, तो उसके पेरेंट्स उसको रोकना चाहते हैं. बट बिफोर दैट, बिफोर दे रीच देयर, लेटर अराइव आफ्टर ही हैज़ ऑलरेडी डिपार्टेड, सो दे आर अनएबल टू. मतलब जब उनको लेटर मिलता है उससे पहले वो जा चुका होता है. So they are not able to stop him while departing. Peter's mother dies from a broken heart over this. Uski maa mar jati hai. Deborah promises that she will take care of their father. When Peter eventually returns, he has some military accomplishments behind him, which pleases and impresses his father. Ab pata chalta hai ki wo military join kar leta hai. Aur jab wo lot kar aata hai, to uske pita ko bhi jaankar khushi hoti hai ki now he has joined or he has been chosen a very good line. Restoring their relationship, his father is able to show him off in town, but Peter is assumed killed in action in India when he is participating in military action. Ab uske pita chahte the ki wo jo hai aaye shahar ka apna kaam sawale, lekin we come to know that he is assumed killed in action in India while in an action in India he is killed while he was participating in military action. Miss Betty Barker visits Miss Matty before the time considered socially acceptable to call on someone at home. अब Miss Betty जो है, Miss Matty Barker, वो Miss Matty से मिलती है. और before the time considered socially acceptable to call on someone at home, because it was time when they could call or someone could come, someone could visit their house. This is socially shocking and consequently Matty's flustered and panicked again. अब पता है क्योंकि वो थोड़ी अनसोशल थी और सारे डिसीजंस के लिए अपनी बहन पर डिपेंड करती थी, तो जब ये पता चलता है कि कोई आने वाला उसके घर, नाउ सी बिकम्स पैनिक, वो थोड़ी सी पैनिक हो जाती है. सी एक्सीडेंटली पुट्स ऑन टू कैप्स टू रिसीव हर विजिटर विच अम्यूजेस मिस बेटी ग्रेटली. अब वो क्या करती है, वो एक्सीडेंटली दो कैप पहन लेती है अपने विजिटर्स को रिसीव करने के लिए, एंड जिससे मिस बेटी जो है बहुत ज़्यादा अम्यूज होती है, मतलब उसका एंटरटेन होता है. सी कम्स फ्रॉम कॉमन स्टॉक. हर फादर वॉज ए क्लर्क. अब वो एक मतलब कॉमन फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पिता जो थे वो क्लर्क थे. एंड सी हरसेल्फ वॉज वंस एम्प्लॉयड एज ए मेड. और वो भी कोई ज़्यादा बड़े घर से नहीं थी, एक बार वो भी मेड के रूप में काम कर चुकी थी. सी सेव्ड इनफ मनी फ्रॉम हर मेगर मेड सैलरी टू ओपन हर ओन मिलिनरी शॉप. लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके अपने लिए एक मिलिनरी शॉप जो है खोली. सी हैज द गुड फॉर्चून टू बिकम एक्वेंटेड विद अ वेल कनेक्टेड एरिस्टोक्रेट कॉल्ड लेडी एरले. And now she felt herself very lucky because she had a connection with aristocrat lady Ellie, and together they developed their own clothing patterns.
which they sell to Lady Alice's aristocratic friends, and she has set up a business, and with the help of that Lady Alice, she used to sell that garment, that clothing pattern to aristocratic friends. This raised Miss Betty's social standing, and she invites all the Cranford women to tea. अब इससे जो बेटी का सोशल ऑर्डर था, जो सोशल का मतलब क्या कहते हैं स्टैंडर्ड था, वो बढ़ जाता है. एंड शी इनवाइट्स ऑल द क्रैनफोर्ड वुमेन टू टी, इवन हर ओल्ड एम्प्लॉयर फ्रॉम हर डेज एज ए मेड, जिसके यहाँ वो मेड के रूप में काम करती थी, उनको भी उसने मिस्टर मिसिस जेमिसन उसको भी अपने यहाँ टी चाय पर बुलाया. दिस सीम्स टू ट्रिगर ए न्यू राउंड ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस. इट मीन्स शी वॉन्टेड टू शो दैट शी हैज़ चेंज्ड हर क्लास एंड शी हैज़ बीन she has joined the upper class now. The tea tray is too full and pastry is too extravagant, which is seen as vulgar. अब जो tea जो थी मतलब tray जो थी वो इतनी भरी हुई थी, उसमें pastry जितनी ज़्यादा भरी हुई थी वो बेकार लग रही थी, which is seen as vulgar. But as they eat their way through the pastries and enjoy rather too much brandy, social structures begin to seem temporarily at least far less important. It means when they take, it means pastries and brandy, they start to gossip differently and it looks less important. It means they do not talk some or anything important, right? Lady Glenmire arrives in Cranford and stays with Mrs. Jamieson. Tabhi Lady Glenmire jo hai wo Cranford mein pahunchti hai aur Miss Jamieson ke saath she stays for some time. This is a very prestigious guest and the town is abuzz with excitement. ये बड़ी prestigious guest थी और जो town, it means other people, other members of that Cranford, they were very much excited to receive that guest, prestigious guest. Miss Matty is predictably less excited, more worried, particularly about how one should address such a lofty visitor. Miss Matty, again, she has the same problem because when she meet or she met the new people, she had a fear, a strange fear. She, because she did not have confidence, because she could not take any decision by her own, and she depended for every decision at her sister or on her elder sister, right? So she was less excited and more worried. Miss Jamieson offends everyone by implying that they are not important enough to meet her ladyship when she asks them to refrain from paying the usual welcome to Cranford. Lady Miss Jamieson, she avoided everyone, she offends everyone by implying that they are not very much important, and she did not let the all people meet Miss Jamieson, new visitor that is known as a prestigious guest, right, Lady Glenmire. Okay. So, visit to her house, ladies of Cranford respond by ignoring both women. अब जब उनको लगा कि उनसे वो उनको important नहीं मान रही है, then ladies of Cranford started to ignore both women, but they are slightly placated after receiving invitations to a small party at the house. But very soon, all the women of the Cranford are invited for the party at that house. It means the house of Miss Jamieson. Party is awkward as nobody knows what to talk to someone as almost royal about. But the ice is broken when Miss Pole asks Lady Glenmire if she has been to the royal court, which she allows she has not. This shows that she is not as high and mighty after all that they become friends. अब पार्टी जब शुरू होती है, पार्टी इज ऑकवर्ड बिकॉज सबको लगता था कि ये कोई राज परिवार से है, तो nobody is able to talk her, nobody was talking to her, and at last ice is broken. It means जो चुप्पी तोड़ी जाती है कब, जब मिस पोल जो है लेडी ग्लेनमायर से पूछती है इफ शी हैज बीन टू द रॉयल कोर्ट, क्या वो राज परिवार से है, विच शी अलाउज शी हैज नॉट, एंड शी आंसर दैट नो शी इज नॉट, शी दिस शोज दैट शी इज नॉट एज हाई एंड माइटी आफ्टर ऑल. सबको पता चलता है कि वो इतनी हाई परिवार से, हाई फैमिली से नहीं जितना वो समझते थे, एंड दे बिकम फ्रेंड्स और ऑल ऑफ देम बिकम फ्रेंड्स. शी इग्नोर Brunoni is a conjurer, and Miss Matty becomes intrigued by his impending visit to Cranford. Up a new guest whose name is Signor Brunoni, वो जो है आता है, और Miss Matty फिर उसी तरह से becomes intrigued by his impending visit. अचानक यकायक आगमन से फिर वो intrigued हो जाती है.
मिस पोल हैज ऑल्सो मैट इन न्यू मैन. इसी बीच में मिस पोल भी एक नए आदमी से मिलती है, बट ही टर्न्स आउट टू बी एन ऑफ ड्यूटी सिग्नल. वो भी जो वो जो आता है वो सिग्नल ब्रिलोनी होता है, विच डिसिपेट्स द कंज्यूरर्स एयर ऑफ मिस्ट्री सम वॉट दैट द लेडीज ग्रेटली एंजॉय इट्स शो एंड स्पेक्टेबल ऑफ इट ऑल. अब कंज्यूरर मीन्स वो कहीं जादू टोना पे खेल वेल दिखाता था. तो जो है वेन द लेडीज मीट दैम एंड वेन दे कम टू नो सम मिस्ट्रीज सम एयर ऑफ मिस्ट्रीज एंड आफ्टर ऑल दे एंजॉय द शो वॉट दे सी वॉट द सिग्नल ब्रिलोनी द सोर्स. Peculiarly, though, after the conjuring show, there is a spike in robberies around town. जैसे वो खेल होता है तो वहीं एक डाका पड़ता है. Rumors about and the conjurer whom the woman now believed to have been a French spy. अब जो rumors वहाँ फैलती है conjurer के बारे में, जिसको लोग मानते थे, woman मानती थी, कोई फ्रांसीसी जासूस है, is suspected कि पक्का जो चोरी इसने की है. Old visitors seem to appear and the woman discuss this openly. At the party celebrating Miss Forrester's wedding anniversary. अब old visitors seem to appear, जितने भी पुराने visitors सब आते हैं और women discuss openly about this thing, about this robbery. And when they gather, when they celebrate Mrs. Forrester's wedding anniversary, Mrs. Forrester hires a boy to keep a watch on her house as a result of the discussion and instructs him to defend himself and her property with the measures. So, अब जो मिस फॉरेस्टर से वो एक लड़के को हायर करती है कि जब व्हेन दे आर गोइंग टू डिस्कस, सो ही शुड टेक केयर ऑफ हिज ऑफ हर हाउस, ही शुड टेक केयर और डिफेंड हर हाउस. ठीक है, अब घर को भी और प्रॉपर्टी को भी. एज इन ऑल टाउन देर आर एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स एंड क्रैनफोर्ड इज नो डिफरेंट. एज इन ऑल टाउन, जैसे कि सारे टाउन्स में होता है, देर आर एक्सेंट्रिक कैरेक्टर, कुछ ऐसे साइकिक एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स होते हैं, और क्रैनफोर्ड भी जो है वो अलग नहीं था. One lady is famous for knitting socks, and when Miss Mattie and Miss Paul decide to pay her a visit, they get horribly lost, asking for directions from a group of two men and a woman whom Miss Paul wonders if they are the same gang of burglars and that the women are discussing some weeks before. Ab, one day, one lady is famous for knitting socks, and एक जो है वो socks बुनती थी, and when Miss Mattie और मिस पोल जो है उस लेडी के घर जाने की सोचते हैं, जाने के लिए प्लान करते हैं. एंड व्हेन दे गो दे फॉरगेट द डायरेक्शन, दे फॉरगेट द वे, दे फॉरगेट द पाथ. सो दे एनकाउंटर टू मैन एंड ए वुमेन एंड होम मिस पोल वंडर्स इफ दे आर द सेम गैंग. अब उनको देख करके मिस पोल को लगता है कहीं ये वही गैंग तो नहीं है जिसने अभी रॉबरी की है, और बर्गलर्स दैट वो जिसके बारे में वुमेन डिस्कस कर रही थी. दिस ऑफेंड्स द ऑनर ऑफ द इन where they have come into contact with the group who seems to think that they are accusing her of being involved. Ab this often jo wo aarop lagati hain owner of the inn jo inka owner tha wo thoda sachet ho jata hai. where they have come into contact with the group who seems to think jinke bare mein wo kehte the ki bhai kahin ye include to nahi hai, kahin us aarop mein hai to nahi. one of men is Signor Brunoni or at least the man previously known as Signor Brunoni. उनमें से एक जो होता है वो Signor Brunoni होता है, जिसको पहले हम जिक्र कर चुके हैं. ठीक है, इन एक्चुअली ही टर्न्स आउट टू बी एन इंग्लिश मैन कॉल्ड सैमुअल ब्राउन. वास्तव में वो और कोई नहीं होता है, वो एक इंग्लिश मैन होता है जिसका नाम सैमुअल ब्राउन होता है. मैरी स्मिथ टॉक्स टू मिस ब्राउन अबाउट शेयर्ड एक्सपीरियंस इन इंडिया. और जो मैरी स्मिथ है वो उसे इंडिया के बारे में कुछ अनुभव जानने के लिए कहती है. Signor was previously in the 31st regiment who भारत में एक सेना में था. She had a daughter named Phoebe Wise in India and having lost so many children previously wants to return to England to make sure this does not happen again. अब उसके कई बच्चे वहाँ खो चुके थे तो वो वापस इंग्लैंड लौटना चाहता था, इंग्लैंड आ गया था, सो दैट वो इसको दोबारा से मतलब उसका कोई बच्चा ना खोए. Phoebe becomes ill as they are preparing to leave India. और जैसे वो बताता है कि जैसे वो भारत छोड़कर आ रहा था तो Phoebe बीमार हो जाती है. They meet a man named Aga Jenkins और वहीं पर वो अगर जेंकिंस नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, नर्सिस फोएबे बैक टू हेल्थ, उसको बिल्कुल ठीक कर देता है. नाउ देयर आर पीपल वंडरिंग इफ दिस मिस्टीरियस मैन वाज पीटर जेंकिंस. अब वो फिर से लोग सोचने लगते हैं कि जो रहस्यवादी व्यक्ति था ये कौन था, क्या ये पीटर जेंकिंस था एज ही हैड वैनिश्ड इन इंडिया, जैसे वो भारत से गायब हो गया था, नेवर टू बी सीन अगेन, और फिर कभी दिखाई नहीं दिया. टू लेटर्स आर डिलीवर्ड टू मिस मैटी. मिस मैटी को दो पत्र मिले थे, वन फॉर हरसेल्फ एंड वन फॉर मैरी स्मिथ, एक अपने लिए और एक मैरी स्मिथ के लिए.
मैरिज लेटर इज फ्रॉम टाउन एंड कंट्री बैंक, मैरी का जो लेटर था वो टाउन से था और कंट्री बैंक से था, विच सी होल्ड्स स्टॉक इन द कोइंसिडेंटली मैरिज लेटर इज फ्रॉम हर फादर, और विच सी होल्ड्स स्टॉक जिसको वो रख लेती है, एंड कोइंसिडेंटली मैरिज लेटर इज फ्रॉम हर फादर, जो मैरी के लिए लेटर था उसके पिता का लेटर था, हुई इज इन्फॉर्मिंग हर अबाउट हिज गुड हेल्थ, जो उसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसको सूचना दे रहा था, बट ऑल्सो मेंशंस टाउन एंड कंट्री. व्हेन द वुमेन आर क्लोज शॉपिंग एट जॉनसन शॉप, दे डिस्कवर दैट द प्रोप्राइटर टू हैज रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द बैंक. अब जब वो शॉपिंग कर रहे थे जॉनसन की शॉप से, तो उनको पता चलता है कि उसको भी एक पत्र मिला था. बैंक हैज लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स मनी, पत्र में क्या था कि बैंक का सारा पैसा खत्म हो गया था, एंड कॉन्सिक्वेंटली मिस मैटीज चेक्स बॉट बाउंसेस, और मैटी के जो चेक्स थे वो बाउंस हो गए थे, सी लैफ्ट पेनीलेस, उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है. मार्था स्टिक्स बाई हर एंड रिफ्यूजेस टू लीव इवन दो सी नोज सी विल नॉट बी पेड फॉर हर सर्विस. मार्था जो उसकी नौकरानी थी वो मना कर देती है, जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगी. मिस मैटी कंसिडर्स मूविंग टू अ सिंगल रूम एंड वर्किंग एज ए टीचर, बट मैरी थिंक्स दैट दिस इज नॉट ए प्रोफेशन सी हैज एनी एप्टीट्यूड टू. अब मिसेस मैटी जो है, मिस मैटी जो है वो सोचती है कि वो इस घर को छोड़कर एक कमरा किराए पर ले लेगी और एक टीचर के रूप में काम करेगी जिससे कुछ पैसा कमा सके, लेकिन वो सोचती कि उसमें योग्यता है नहीं, एप्टीट्यूड नहीं है उसमें टीचिंग का. मार्था डिसाइड्स टू मैरी हर स्वीट हार्ट एंड दे इनवाइट मिस मैटी टू बी देयर लॉजर. अब मार्था जो है अपने प्रेमी से शादी कर लेती है और वो मैटी को इन्वाइट करते हैं अपने यहाँ. मिस पोल कॉल्स द क्रैनफोर्ड लेडीज टुगेदर टू टॉक अबाउट मैटीज प्रेडिकमेंट. अब मिस पोल जो है वो सारी क्रैनफोर्ड की लेडीज को इकट्ठा करती है और मैरी का जो भाग्य था, मैटी का जो भाग्य था, उसके बारे में वो लोग आपस में बात करते हैं. दे ऑल रिजॉल्व टू हेल्प हर, वो सब निश्चय करते हैं कि हम मैटी की मदद करेंगे. हाउएवर मैटी हैज ए प्लान ऑफ अराउंड, लेकिन उसका अपना एक योजना थी, अपना प्लान था सेलिंग अ होम एंड गेटिंग टू कीप सम ऑफ हर बिलोंगिंग, उसका मतलब था वो अपने घर को बेच देगी, थोड़ा बहुत सामान रखेगी. मैटी स्टार्ट्स अ बिजनेस सेलिंग टी आउट ऑफ हर पार्लर रूम, और वो चाय बेचने का काम करेगी. लेडी ग्लेनमायर रिजेक्ट्स हर एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस, लेकिन वो अपने एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस को रिजेक्ट करती है, एम्ब्रेसेस द सिंपलर लाइफ, और वो भी एक सिंपल जीवन अपना लेती है. व्हेन ए मैन वॉक्स इनटू द शॉप इन मैरीज प्रेजेंस, शी रियलाइजेस क्विकली दैट इट इज द लॉन्ग लॉस्ट पीटर जैंकिंस. और जब भी उस दुकान में एक आदमी आता है तभी वो उसको तुरंत पहचान लेती है कि कोई और नहीं है, पीटर जैंकिंस है, जो उसका भाई था. He has sold his land in India. उसने इंडिया में अपनी जमीन बेच दी थी, and has come home to Cranford to help his sister. अपनी बहन की मदद करने के लिए Cranford वापस आया था. She is overwhelmed with joy and they live comfortably for. वो बहुत खुश होती है, उसकी सारी चीज़ें वापस मिल जाती है, और उसके बाद वो खुशी खुशी दोनों बहन भाई साथ में रहते हैं. Mary gives up her pop-up tea shop because he is able to support all three of them. Mary gives up her pop-up tea. मैरी जो है वो अपनी जो पॉपअप की शॉप है उसको छोड़ देती है, बिकॉज ही इज एबल टू सपोर्ट ऑल थ्री ऑफ देम, क्योंकि वो उन तीनों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त था. पीटर हायर्स सिग्नोर ब्रूनोई टू परफॉर्म एट द ब्रन, एंड ग्रेजुअली द फ्यूड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑफ द टाउन आर मेंटेड. पीटर जो है वो सिग्नोर को अपने यहाँ परफॉर्म करने के लिए जो है अपने यहाँ रख लेता है, एंड डेफिनेटली द फ्यूड्स, जो फ्यूड कहते हैं सामन, that exists between different people of the town are mended, which pleases the constant peacemaker Matty. और वो तुरंत जो है मतलब वो क्या करते हैं प्लीज करते हैं, विच प्लीजेज द कॉन्स्टेंट, मतलब जब वो सब सुधर जाते हैं अपने अपने उसमें आ जाते हैं, then it मतलब Matty becomes peaceful and she starts to live happily. Peter is mystified as to why Matty and Holbrook never married. Peter जो इस बात में उसको रहस्य था कि मैटी ने और हॉलब्रुक ने कभी शादी क्यों नहीं की, विच अपसेट्स हर सिंस शी वुड बी अ विडो नाउ एनीवे, और वो तब से वो एक विधवा का जीवन जी रही है. ऑल्दो पीटर इज ए फेवरेट अमंग्स क्रैनफोर्ड लेडीज, और पीटर जो था वो क्रैनफोर्ड लेडीज में बड़ा फेवरेट था. ही हैज नो रियल इंटेंशन ऑफ मैरिंग एनी ऑफ देम, लेकिन वो किसी से शादी नहीं करना चाहता था. हिज गोल इज टू मेक हिज सिस्टर हुम ही लव्स ग्रेटली हैप्पी, वो उसका उद्देश्य केवल अपनी बहन को सेटल करना था. ये आपका खत्म हुआ क्रैनफोर्ड. अब छोटा सा नोवेल है रथ, इसको रथ को पढ़ते हैं हम लोग, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बाद में नॉर्थ एंड साउथ और जो वाइव्स एंड डॉटर, वो दो इंपॉर्टेंट नोवेल्स हैं, लेकिन आज हम इसको फिनिश करते हैं. इट इज ए नोवेल बाय एलिजाबेथ गास्केल, फर्स्ट पब्लिश्ड इन थ्री वॉल्यूम्स इन 1853. ये 1853 में तीन वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था भाई.
Ruth is a young orphan girl working in a respectable sweet shop for the overworked Mrs. Messy. रथ जो है एक ऑर्फन लड़की है जो एक मिठाई की दुकान में नौकरी करती है और किसके लिए ओवर वर्क मिसेज मैसी. शी सेलेक्टेड टू गो टू अ बॉल टू रिपेयर टॉर्न ड्रेसेस. अब उसको जो है एक टॉर्न ड्रेसेस को रिपेयर करने के लिए चुना जाता है एक बॉल में. बॉल कहते हैं एक पार्टी होती है बॉल पार्टी में. एट द बॉल शी मीट द एरिस्टोक्रेटिक हेनरी बेलिंगम अ रेक फिगर हु इज इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टू हर. अब बॉल में सी बैट सी एनकाउंटर्स आ एरिस्टोक्रेटिक पर्सन जिसका नाम होता है हेनरी बेलिंगम हु इज अ रेक फिगर बट हु इज इंस्टेंटली अट्रैक्टिव टू हर. दे मीट अगेन बाय चांस एंड फॉर्म आ सीक्रेट फ्रेंडशिप. फिर मिलते हैं उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाता है. ऑन एंड आउटिंग टुगेदर दे आर स्पॉटेड बाय मिसेस मैसन. लेकिन जब वो बाहर कहीं घूम रहे थे तो मिसेस मैसन इसको देख लेती है. Who fearing for her shop's reputation dismisses her. अब उसे डर होता है कि कहीं उसकी दुकान की रेपुटेशन को बट्टा ना लग जाए और वो उसको डिसमिस कर देती है नौकरी से निकाल देती है. Alone in the world, Ruth is whisked away by Bellingham to London, where it is implied she becomes a fallen woman. अब alone जब वो अकेली हो जाती है तो उसको जो है Bellingham अपने साथ ले जाता है और to London, where it is implied she becomes a fallen woman. They go on holiday. To Wales together and there on a country walk, Ruth meets the disabled and kind Mr. Benson. वो कहीं अपना घूमने जाते हैं वेल्स में और वहाँ पर वो एक disabled, एक अपंग, एक अपाइज होता है जिसका नाम मिस्टर बेंसन होता है उससे मिलती है. Bellingham falls sick and with fever and the hotel calls for his mother who arrives. Bellingham जो है बीमार पड़ जाता है होटल में और होटल वाले उसकी माँ को बुला लेते हैं and is disgusted by her son's having lived. इन शिन विद्रत और वो बड़ी अपमानित महसूस करती है उसका बेटा जो है रथ के साथ रह रहा है वो पाप कर रहा है. Bellingham इज परसुएडेड बाई हिज मदर टू अबैंडन रूथ और उसको तैयार कर लेती है रूथ को छोड़ो इन वेल्स लीविंग हर सम मनी उसको कुछ पैसे दो और उसको छोड़ कर यहाँ से निकलो. वैन ही लर्नस ऑफ हर पास्ट एंड दैट शी इज अलोन शी ब्रिंग्स हर बैक टू हर होम टाउन. लेकिन जब उसे पता चलता है उसके पास्ट के बारे में और ये पता चलता है कि वो अकेली है ही ब्रिंग्स हर बैक टू होम उसे वापस अपने घर लेकर आता है. वेयर ही इज अ डिसेंटिंग मिनिस्टर टू स्टे विद हिम एंड इज फॉर्मिडेबल बट काइंड सिस्टर फेल. अब ये हुआ तो नहीं ओके जी. व्हेन ही लर्न्स मतलब जो अपाइज था तो वो उसको अपने घर लेकर आता है. व्हेन ही वेयर ही इज अ डिसेंटिंग मिनिस्टर जहाँ का वो डिसेंटिंग मिनिस्टर था टू स्टे विद हिम एंड इज ऑन फॉर्मिडेबल बट काइंड सिस्टर फेल. वो अपनी बहन और उसके साथ उसको अपने साथ रखता है. When they learn that Ruth is pregnant by, they decide to lie to the town and claim that she is a widow. अब जब उन्हें पता चलता है कि रथ जो है प्रेगनेंट है तो वो इस बात को छिपाते हैं और कहते हैं कि ये विडो है कॉल्ड मिसिज डेनबी और इसको डेनबी के नाम से वो जानते हैं. टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम सोसाइटी ताकि वो समाज से उसको बचा पाएँ विच वुड अदरवाइज सनर वरना वो बर्बाद हो जाएंगे. रथ हैज हर बेबी होम सी नेम्स लियोनार्ड उसका बच्चा होता है जिसका वो नाम लियोनार्ड रखती है. She is transformed into a Madonna type figure. अब वो एक Madonna type figure मतलब एक respected lady के रूप में जो है transform होती है calm and innocent once more. The rich local businessman Mr. Bradshaw admires Ruth and employs her as a governess for her children. अब एक बड़ा अमीर businessman होता है जिसका नाम Mr. Bradshaw होता है वो उसकी उसके गुणों की बड़ी प्रशंसा करता है और उसको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए employ कर लेता है. Including his eldest daughter Jemima who is in awe of the beautiful Ruth, जो जिसे मतलब सुंदर रथ से थोड़ा सा डर था थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. Ruth goes away with the Bradshaw to a seaside house while one of Mr. Bradshaw's children is convalescing from a long illness. अब रथ जो है Bradshaw के साथ अपने उसके seaside वाले घर पर जाती है बिकॉज उसका एक बेटा जो है वो एक लंबी बीमारी से पीड़ित था. Mr. Bradshaw brings Mr. Dunn, a man whom he is sponsoring to become their local MP, to the seaside to impress him. अब इसी बीच में जो Mr. Bradshaw है वो Mr. Dunn को अपने साथ लेकर आता है जिसको the man whom he is sponsoring, जो व्यक्ति उसको स्पॉन्सर कर रहा था लोकल MP बनने के लिए पैसा दे रहा था ताकि वो उसको इम्प्रेस कर सके. Ruth recognizes Mr. Dunn as actually being Mr. Bellingham. अब रुथ जो है उसको पहचान लेती है कि जो मिस्टर डन वो कोई और नहीं
मिस्टर बेलिंगम है एंड टू हैव ए कन्फ्रंटेशन, दोनों आप सामना करते हैं ऑन द बीच। बेलिंगम ऑफर्स टू मैरी रूथ एज ही क्लेम्स ही स्टिल लव्स हर, वो उसको शादी करने का प्रस्ताव रखता है क्योंकि वो कहता है कि वो अभी भी उससे प्रेम करता है। एंड फॉर द सेक ऑफ देयर चाइल्ड रथ रिजेक्ट्स हिम सेइंग शी विल नॉट लेट लियोनार्ड कम इन कॉन्टेक्ट विद ए मैन लाइक हिम, और वो ये कहकर कि वो अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगी, वो उसे रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है। फ्रॉम लोकल गॉसिप जेमिमा डिस्कवर्स अबाउट रूथ्स पास्ट, लेकिन लोकल बातचीत से जो उसकी बड़ी बेटी थी जेमिमा, उसे रूथ के पास्ट के बारे में पता चल जाता है। दो सी इज स्टिल अनअवेयर दैट इट वॉज मिस्टर डन हु इज लियोनार्ड्स फादर, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि ये मिस्टर डन है जो लियोनार्ड का पिता है। जेमिमा इज हैड स्ट्रॉन्ग एंड ऑलरेडी जीनियस दैट हर शूटर मिस्टर फार्क्वेयर हर फादर्स बिजनेस पार्टनर सीम टू एडमायर रथ ओवर। अब वो इस बात से जलन रखती थी कि उसका जो मंगेतर था मिस्टर फार्क्वेयर, वो जो उसके पिता का बिजनेस पार्टनर था, वो रुथ की हमेशा प्रशंसा करता था। द ट्रूथ इज मिस्टर फार्कर इज पुट ऑफ बाई जेमिमाज इरेटिक बिहेवियर, लेकिन सच ये था कि जो मिस्टर फार्क्वेयर था वो जेमिमा के इरेटिक बिहेवियर से थोड़ा तंग आ गया था, कॉज्ड बाई हर फादर्स गुड इंटेंशन इंटरफेरेंस। अब बिहेवियर कॉज्ड बाई हर फादर, लेकिन उसके जो पिता का इंटेंशन इंटरफेरेंस था उसकी वजह से जेमिमा हाउएवर डिसाइड्स टू कीप क्वाइट ओवर रूथ्स पास्ट एज शी रियलाइजेज दैट शी कम्स फ्रॉम ए मोर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एंड सेम कुड वेल हैव हैपेंड टू हर हैड शी बीन इन दिस सिचुएशन। अब वो सोचती है कि ये अच्छे परिवार से, लेकिन अगर मैं भी इसकी स्थिति में होती तो ऐसा, मतलब मेरे साथ अगर होता तो मैं क्या करती, इसलिए वो चुप होती है। मिस्टर ब्रेडसा डिस्कवर्स ऑल्सो फ्रॉम लोकल गॉसिप हाउएवर दैट रूथ इज ए फॉलन वूमेन एंड डिस्पाइट जेमिमाज पैशनेट डिफेंस ऑफ रूथ सी इज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस एंड सेक्ट। अब रूथ इज फॉलन, सबको पता चल जाता है, मिस्टर ब्रेडसा को भी पता चलता है कि वो एक फॉलन वूमेन है, लेकिन इसके बावजूद भी डिस्पाइट जेमिमाज, अब जेनिमा पैशनेट डिफेंस करती है रथ का, लेकिन फिर भी उसको नौकरी से निकाल देता है। रथ गोज होम एंड हैज टू रिवील टू लियोनार्ड दैट ही इज इन फैक्ट इलेजिटिमेट। अब वो घर जाती है और लियोनार्ड को बताती है कि वो इलेजिटिमेट है। ही इज डिवेस्टेटेड एंड असेम्ड बाई द न्यूज, वो बड़ा शर्मिंदा होता है इस खबर से। मिस्टर ब्रेडसा ऑल्सो गोज टू हिज ओल्ड फ्रेंड मिस्टर बेंसन। अब मिस्टर ब्रेडसा जो है उसके अपने पुराने मित्र मिस्टर बेंसन के पास जाता है एंड आर्ग्यूज विद हिम एज ही अलाउड टू लाई टू बी टोल्ड एंड फॉर रूथ टू एंटर नॉट ओनली हिज बट ऑल्सो मिस्टर ब्रेडसाज हाउस। अब वो उसे झगड़ा करता है कि भाई तुमने झूठ बोला था रूथ के बारे में और तुमने उसको न केवल अपने घर में बल्कि मेरे घर में भी घुसा है। जेमिमा एंड मिस्टर फार्क्वेयर मैरी एंड हैव देयर ओन चाइल्ड एंड फ्रॉम ए गुड फ्रेंडशिप विद रूथ एंड लियोनार्ड बट दे आर स्टिल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सोसाइटी। जेमिमा और मिस्टर फार्क्वेयर दोनों शादी करते हैं, उनका अपना एक बच्चा होता है, बट दे स्टिल हैड अ गुड फ्रेंडशिप विद रूथ एंड उसके जो बेटा था लियोनार्ड, दोनों के साथ अच्छे संबंध थे बिकॉज रूथ एंड लियोनार्ड बोथ आर लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल समाज से बाहर रह रहे थे, बिल्कुल नोबडी वाज केयरिंग देम। रूथ गोज अमंग द पुअर टू वर्क एज ए नर्स टू द सिक एंड गेन्स ए गुड रेपुटेशन देयर। देखिए जब आदमी की अच्छाई होती है, रूथ वॉज रियली अ वेरी गुड पर्सन, गुड लेडी एंड वेयर एवर शी गोज सी अर्न द रेपुटेशन। वो जहाँ जाती थी वो अपनी रेपुटेशन कमा ही लेती थी। नाउ बिकॉज शी वॉज लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सोसाइटी स्टिल शी गोज अमंग द पुअर टू वर्क एज ए नर्स एंड सर्व द सिक एंड गेन्स अ गुड रेपुटेशन देयर मेकिंग लियोनार्ड प्राउड ऑफ हिज मदर वंस मोर एंड रिस्टोरिंग देयर रिलेशनशिप। Because when Leonard came to know that he was illegitimate, so there was a disturbance between the relation of a mother and a son. उन दोनों के बीच में एक relation खराब हो जाता है. But still, with this reputation, this relationship is restored. Mr. Bradshaw's son is found to have been embezzling the company's funds, and his father disowns him. इसी बीच में Mr. Bradshaw का जो बेटा है, उसको एक company fund में कहीं मतलब वो फंस जाता है, उसके पिता उसको बेदखल कर देते हैं। हाउएवर व्हेन हिज सन इज लेटर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मिस्टर ब्रेडसा इज डिस्ट्रॉट एंड रियलाइजेस दैट हिज मॉरल्स हैड बीन परहैप्स टू हैवी हैंडेड इन द पास्ट। अब वो कहता है कि उसके जो मॉरल्स थे वो बहुत ज़्यादा टाइट थे, मतलब उसने इसीलिए रूथ को निकाला था। हिज सन रिकवर्स एंड मिस्टर ब्रेडसा स्टार्ट टू रीथिंक हिज लाइफ। जब उसका बेटा ठीक हो जाता है तो ब्रेडसा फिर से अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, रथ गोज टू गिव अप हर वर्क एज देर इज ए कैचिंग फीवर इन द एनवायरमेंट। अब उस समय एक बुखार बीमारी चल रही थी, तो रथ जो अपने काम को छोड़ देती है
लोकल डॉक्टर ऑफर्स टू स्पॉन्सर लियोनार्ड्स स्टडीज, एक लोकल डॉक्टर जो है वो उसकी स्टडीज को स्पॉन्सर करता है एट ए गुड स्कूल, एंड द फार्कवेयर्स ऑफर टू गो अवे ऑन हॉलीडे विद रूथ एंड लियोनार्ड। और फार्कर जो इसको ऑफर करता है कि वो लंबी छुट्टी पर हमारे साथ चले। हाउएवर बिफोर रूथ हैज़ मेड ए डिसीजन, सी हियर्स दैट मिस्टर डन इज़ वेरी सिक। जैसे ही उसको खबर मिलती है, इससे पहले कि वो डिसीजन कर पाती, उसे खबर मिलती है कि डन जो है बहुत बीमार है। सी कन्फाइड्स इन द डॉक्टर द ट्रूथ अबाउट हु मिस्टर डन रियली इज़। अब वो डॉक्टर के सामने सारा भेद खोल देती है कि वास्तव में मिस्टर डन कौन है, एंड गोज टू हिम, और उसके पास चली जाती है। ही इज़ डेलीरियस विद फीवर एंड डज नॉट रिकोगनाइज हर, बट सी नर्स इज इन बैक टू हेल्थ। वो पहचान भी नहीं, इतना बीमार था कि वो ये पहचान नहीं पाता है कि उसको ठीक किसने किया, और वो वापस ठीक हो जाता है। रथ हावेवर फॉल सिक एंड डाइज फ्रॉम द इलनेस, और रथ जो है रुथ जो है वो बीमार हो जाती है और बीमारी से मर जाती है। एट द फनरल मैनी ऑफ द पुअर दैट रथ हैड लुक्ड आफ्टर प्रेज़ेस हर, जो जिन गरीबों की सेवा उसने की थी वो उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। एंड द चैपल इज फुल ऑफ पीपल दैट लव्ड रथ डिस्पाइट हर बीइंग ए फॉलन वुमेन। फॉलन वुमेन के बावजूद भी वो, मतलब जो उसका अंतिम संस्कार का जो वो स्थान था वो भरा हुआ था लोगों से, राइट। मिस्टर डन कम्स टू मिस्टर बेंसन्स हाउस एंड सी इज रुक डेड। जब मिस्टर डन बेंसन के घर आता तो देखता है कि रुक मर चुकी है। ही इज मोमेंटरीली सैड एंड ऑफर्स मनी टू मिस्टर बेंसन, हु रियलाइजेज हु ही मस्ट बी एंड चोज हिम आउट ऑफ द हाउस, राइट। और मतलब वो पैसा देने, जब वो होता है तो पैसा देता है मिस्टर बेंसन को, और जब उसे समझ में आता है कि वो कौन है, हु मस्ट बी, एंड थ्रोज हिम, उसको घर से बाहर निकाल देता है। The novel ends with Mr. Bradshaw finding a weeping Leonard at his mother's grave. और जो novel अंत होता है कि जब Bradshaw Leonard को देखता है कि वो अपनी माँ की कब्र पर बैठ कर रो रहा है, whom he leads home to Mr. Benson, जो उसको Mr. Benson के घर ले जाता है, and reforming his friendship with Mr. Benson, वो अपनी फिर से दोस्ती को कायम करता है, अपनी गलती की माफ़ी मांगता है जो उसने रुथ को भेजने के लिए कहा था, realizing that as a member of the society that ostracized Ruth, he is also responsible for her death, जिसने उसकी आलोचना की थी। अब वो कहता है कि जो है, ओके संगीता आ जाइए भाई, ठीक है जी, he is also responsible for her death, ओके सर। नॉर्थ एंड साउथ अगला नोवेल है, बहुत महत्वपूर्ण नोवेल है, आज दोनों को कंप्लीट करके हटेंगे हम लोग। ये भी इट इज़ ए सोशल नोवेल बाय इंग्लिश राइटर एलिजाबेथ गास्किन। नॉर्थ एंड साउथ इज सेट इन फिक्शनल इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ मिल्टन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है एग्जाम में। मिल्टन जो है ये फिक्शनल टाउन है, मिल्टन व्यक्ति का नाम नहीं टाउन का नाम है, इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। जो स्टोरी शुरू होती है, समरी शुरू होती है, मार्गरेट हेल जो 19 साल की है, हैप्पीली रिटर्न्स होम फ्रॉम लंदन टू आइडिलिक साउदर्न विलेज ऑफ हेलस्टोन आफ्टर हर कजिन एडिथ मैरीज कैप्टन ल्यूनॉक्स। वो अपने कजिन एडिथ और कैप्टन ल्यूनॉक्स की शादी के बाद वापस लौट कर जो है आती है। सी लिव्ड नियरली 10 years इन द सिटी विद एडिथ एंड वेल्दी आंटी सॉ टू लर्न टू बी एन अकम्प्लिश्ड यंग लेडी। 10 साल तक वो अपनी आंटी और अपने कजिन एडिथ के साथ शहर में रहती है। नाउ शी हैज कम टू लर्न हाउ टू बी अकम्प्लिश्ड यंग लेडी। लेडी मार्गरेट हरसेल्फ हैज रिफ्यूज द मैरिज ऑफर फ्रॉम कैप्टन ब्रदर टू कैप्टन लेनॉक्स था जिसने उसके कजिन एडिथ से शादी की थी। अब वो उसका भाई भी ऑफर करता है उसको, लेकिन शी रिफ्यूजेस, वो मना कर देती है। शी डज नॉट वांट टू मैरी हेनरी अ राइजिंग बैरिस्टर। जो हेनरी था वो एक राइजिंग बैरिस्टर था। बट हर लाइफ इज टर्न्ड अपसाइड डाउन वेयर हर फादर द लोकल पैस्टर लीव द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड रेक्ट्री ऑफ हेलस्टोन एज ए मैटर ऑफ कॉन्शियंस हिज इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हैविंग मेड हिम डिसेंटर। अब क्या होता है कि उसकी लाइफ बदल जाती है, उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसके पिता जो पैस्टर थे, लोकल पैस्टर थे, वो चर्च की जॉब छोड़ देते हैं ड्यू टू हिज इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड हैविंग मेड हिम ए डिसेंटर। ऑन द सजेशन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड मिस्टर बेल ही सेटल्स विद हिज वाइफ एंड डॉटर इन मिल्टन नॉर्थन। अब वो अपने दोस्त की सलाह पर वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ में मिल्टन नामक जो जगह है नॉर्दर्न इंग्लैंड में जो पड़ती है वहाँ सेटल हो जाता है। वेयर मिस्टर बेल वॉज बॉर्न एंड ओन्स प्रॉपर्टी, वहीं पर मिस्टर बेल का जन्म हुआ था, उसकी प्रॉपर्टी वहीं पर थी। एन इंडस्ट्रियल टाउन इन डार्कशायर अ टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग रीजन। ये जो क्षेत्र था ये कपड़े का, कपड़े का निर्माण बहुत ज़्यादा होता था, टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा निर्मित होता था यहाँ। इट इज़ एंगेज इन
कॉटन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइंड्स इटसेल्फ इन द मिडल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये जो था, मतलब ये समझिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये मध्य था, वेयर मास्टर्स एंड वर्कर्स क्लैश इन द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। और यहाँ पहली बार मास्टर्स और जो वर्कर्स हैं उनके बीच एक हड़ताल होती है, एंड दे जस्ट मेक अ इट मीन्स क्लैश ऑन सम इश्यूज। मार्गरेट फाइंड्स एंड बस्टलिंग स्मोकी टाउन ऑफ मिल्टन हार्स एंड स्ट्रीम्स दैट सी इज अपसेट बाई द पॉवर्टी ऑल अराउंड। अब वो देखती है कि जो कैसा शहर था, जो शहर था वो हार्स था, स्मोकी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं। तो नाउ सी वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट हर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर टाउन। और देखते हैं कि चारों तरफ क्या थे, गरीब लोग थे, राइट। मिस्टर हेल इन द रिड्यूस्ड फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज वर्क्स एज ए ट्यूटर दैट काउंट्स एज हिज पीपल द रिच एंड इन्फ्लुएंशियल मैन्युफैक्चरर। अब जो मिस्टर हेल है वो जब उसे लगता है कि पैसे कम पड़ गए, रिड्यूस्ड फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज, जब मतलब खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था, वर्क्स एज ए ट्यूटर एंड काउंट्स एज हिज पीपल, वो एक ट्यूटर के रूप में काम करता है, एंड काउंट्स हिज पीपल द रिच, एंड उसके जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बड़े रिच होते हैं और प्रभावशाली जो है उत्पादन करने वाले लोग होते हैं। मिस्टर जॉन थॉर्नटन मास्टर ऑफ मार्लबोरो मिल्स, उनमें एक होता है मिस्टर जॉन थॉर्नटन जो एक मार्लबोरो का मास्टर था। फ्रॉम द आउटसेट मार्गरेट एंड थॉर्नटन आर एट कोर्ट्स विद ईच अदर। अब बाहर से मार्गरेट और थॉर्नटन जो थे वो दोनों मतलब कोर्ट थे। सी सीज हिम एज ए कोर्स एंड अनफीलिंग, वो लगते थे बेकार है, कुछ नहीं है इसका। सी सीज हर एज हॉटी, वो मानती थी कोई मतलब वो जो थॉर्नटन था उसको मानता था कि बड़ी जिद्दी लड़की है। बट ही इज़ अट्रैक्टेड टू हर ब्यूटी एंड सेल्फ एश्योरेंस, लेकिन वो उसकी ब्यूटी और सेल्फ एश्योरेंस की तरफ आकर्षित होता है। एंड सी बिगेंस टू एडमायर हाउ ही हैज लिफ्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम पॉवर्टी, एंड शी बिगेंस टू एडमायर, और वो इस बात से उसकी प्रशंसा करने लगती है कि वो किस तरह से हाउ ही हैज कम आउट ऑफ दैट पॉवर्टी, हाउ ही हैज मेड और मैनेज हिज वर्क। ओके सब, नेक्स्ट देखेंगे भाई। ड्यूरिंग द 18 मंथ्स सी स्पेंड्स इन मिल्टन, दो लगभग 18 महीने मिल्टन में रहती है। मार्गरेट ग्रेजुअली लर्न्स टू अप्रिशिएट द सिटी एंड इट्स हार्ड वर्किंग पीपल, स्पेशली निकोलस हिगिंस, वहाँ एक वर्कर होता है जिसका नाम निकोलस हिगिंस होता है, राइट। वो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव होता है, मीन्स यूनियन का नेता होता है, एंड हिज डॉटर बेसी, और उसकी बेटी होती है बेसी, होम सी बी फ्रेंड, जिसकी वो मित्र बन जाती है। बेसी इज कंज्यूमटिव फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट एंड शी इवेंचुअली डाइज फार्मिंग। अब इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कॉटन से आदमी इनहेलेशन की इनहेलिंग की प्रॉब्लम होती है, श्वास की बीमारी होती है, तो वो मर जाती है। मीन टाइम मार्गरेट्स मदर इज ग्रोइंग मोर सीरियसली एंड ए वर्कर्स स्ट्राइक इज ब्रेकिंग। अब इसी बीच में मार्गरेट की जो माँ है वो बीमार हो जाती है और वर्कर्स की स्ट्राइक जो है हो जाती है, इसका मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस भी जो है वहाँ होता है। मास्टर्स एंड हैंड्स यानी वर्कर्स डू नॉट रीच टू अ रिजोल्यूशन ऑन द स्ट्राइक एंड एन इंसेंस्ड मॉब ऑफ वर्कर्स थ्रेटन्स थॉर्नटन एंड हिज फैक्ट्री विद वायलेंस आफ्टर ही ब्रॉट आयरिश वर्कर्स इनटू हिज मिल। अब वर्कर्स और मास्टर्स के बीच कोई बात नहीं बन पाती है, दे आर नॉट एबल टू रिकॉन्सिल, और जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, बिकॉज जो मिल ऑनर थे थॉर्नटन और उसकी फैक्ट्री के लोग, वो आयरिश वर्कर्स को बुला कर लाया था, सो दैट द स्ट्राइक कैन बी ब्रोकन। मार्गरेट इम्प्लोर्स थॉर्नटन टू इंटरवीन एंड टॉक टू द मॉब। अब मार्गरेट जो है वो थॉर्नटन को कहती है, भाई तुम आकर बोलो, बात करो, बट ही मैनेज मेयरली टू फ्यूल देयर एंगर, लेकिन वो क्या करता है, उल्टा उनमें और आग भड़का देता है। मार्गरेट इंटरवीन्स टू, वो भी इंटरवीन करती है, एंड इज स्ट्रक डाउन बाई स्टोन, और एक पत्थर उस पर आता है, उसको लग जाता है। सोल्जर्स अराइव, द मॉब डिस्पर्सेस एंड थॉर्नटन कैरीज मार्गरेट इनडोर्स। अब सिपाही आते हैं, पुलिस आती है, और भीड़ इधर उधर जाती है, और थॉर्नटन जो है मार्गरेट को अंदर ले जाता है, प्रोफेसिंग हिज लव टू हर अनकॉन्सियस प्रोस्ट्रेट फिगर, और प्रोफेसिंग वो अपने प्रेम का इजहार उसके सामने जो है कर देता है। थॉर्नटन प्रपोजिज, मार्गरेट डिक्लाइंस। अब वो मना करती है, लेकिन वो मना कर देती है, होली
unprepared for his declarations of love and offended by assumptions that her action in front of the mob meant she cared for him. Ab वो कहता है कि wholly unprepared, अब वो because she was not prepared to listen or to declare his love and offended by assumption that her action, अब वो कहता है कि वो अपने action को offend करता है कि वो लोगों से बचाना चाहता था जनता के सामने उसकी मतलब more meant she cared for him, right? Mrs. Thornton, wary of Margaret's southern haughty ways, अब Mrs. Thornton जो होती है wary of Margaret के साउदर्न हटी वेज से वो बड़ी परेशान होती है, इज गर्ल्ड बाई मार्गेट रिजेक्शन ऑफ हर सन, अब क्योंकि मार्गेट उसके बेटे को रिजेक्ट करती है तो इस बात से वो और ज़्यादा जो है गुस्से में होती है, गर्ल्ड होती है। मार्गेट्स लॉन्ग एब्सेंट ब्रदर फ्रेडरिक, अब मार्गेट का एक मतलब खोया हुआ भाई था जिसका नाम फ्रेडरिक था, वॉन्टेड फॉर नेवल म्यूटिनी, सीक्रेटली विजिट्स देयर मदर एज शी इज डाइंग, वो कहीं नेवी में था तो वो चुप छुप करके आता है और अपनी माँ से मिलता है। Thornton sees Margaret and Frederick together. Thornton देखता है कि Margaret और Frederick दोनों एक साथ हैं and assumes he is her lover, और वो गलत मान लेता है कि इसका प्रेमी है। Later, Leonard, a man from Hellstone, recognizes Frederick at the train station. लेकिन बाद में जो Leonard है जो Hellstone से एक आदमी था वो Frederick को पहचान लेता है। An argument ensues that Frederick pushes Leonard away. अब उनके बीच argument होता है और उसको पीछे धक्का दे देता है। Leonard dies shortly after, or Leonard मर जाता है। When the police question Margaret about the scaffold, जब पुलिस आती है और मार्गरेट से पूछती है उस स्केफल के बारे में, चाहता भाई के बारे में, she lies, वो झूठ बोल देती है and says she was not present, वो कहती मैं वहाँ नहीं थी। As the magistrate investigating Leonard's death, जब मजिस्ट्रेट लियोनार्ड की डेथ को इन्वेस्टिगेट करता है, Thornton knows that Margaret lied. Thornton को पता था कि मार्गरेट ने झूठ बोला है, but declares the case closed to serve her from the humiliation of possible perjury. लेकिन उसको उस humiliation से बचाने के लिए वो बंद हो जाता है। Margaret knows his deed on her behalf. Margaret को पता था जो उसने उसके लिए किया था and is greatly humbled. वो उसके लिए बड़ी नम्र हो जाती है। So no longer only looks down on Thornton as a hard master and begins to recognize the depth of his noble character. और धीरे धीरे उसकी अच्छाई को वो पहचानने लगती है। Nicholas on Margaret's prodding approaches Thornton for a job. अब Nicholas जो on Margaret's prodding, Margaret जिसको भेजती है वो Thornton के पास job के लिए आता है, which he eventually gets, तो उसको नौकरी मिल जाती है। Thornton and Higgins learn to appreciate and understand each other better. अब Thornton और Higgins जो है वो एक दूसरे को प्रशंसा करते हैं और एक दूसरे को जल्दी से पहचान लेते हैं। Mr. Hale visits his oldest friend Mr. Bell in Oxford. अब इसी बीच में Mr. Hale उसी मिस्टर बेल के पास जाता जो उसको लेकर आया था यहाँ पर। देयर मिस्टर हेल ऑल्सो डाइज एंड मार्गरेट मस्ट रिटर्न टू लिव इन लंदन विद आंटी सॉ। अब होता क्या है कि मिस्टर हेल की मृत्यु हो जाती है तो मार्गरेट को फिर अपनी आंटी सॉ के पास लंदन जाना पड़ता है। सी विजिट्स हेलस्टोन विद मिस्टर बेल एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेल थॉर्नटन अबाउट फ्रेडरिक। अब वो हेलस्टोन के पास जाती है और बताती है कि विद मिस्टर बेल के साथ जाती है और बताती है, रिक्वेस्ट करती है कि थॉर्नटन को बताना कि फ्रेडरिक कौन था। फ्रेडरिक उसका भाई था, ठीक है, बट मिस्टर बेल डाइज बिफोर ही कैन डू सो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता मिस्टर बेल भी मर जाता है। ही लीव्स मार्गरेट अ कंसिडरेबल लीगेसी दैट इंक्लूड्स मार्लबोरो मिल्स एंड द थॉर्नटन हाउस। अब वो बेचारा जो है ही लीव्स मार्गरेट जो बेल है वो एक बहुत बड़ी लीगेसी उसके लिए छोड़ जाता है जिसमें मार्लबोरो मिल्स और एंड द थॉर्नटन हाउस सब उसके नाम कर जाता है, ठीक है। थॉर्नटन इज फोर्स टू लिमिट प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं तो थॉर्नटन जो है वो इज फोर्स टू लिमिट प्रोडक्शन, वो अपनी उत्पादन को उसे रोकना पड़ता है। एंड स्ट्राइक एंड फियर्स बैंकरप्सी, अब वो क्योंकि स्ट्राइक हो जाती है और उसे दिवालिया होने का डर होता है। ही लर्न्स द ट्रुथ दैट मार्गरेट्स ब्रदर फ्रॉम निकोलस हिगिंस एंड ऑल्सो कम्स टू लंदन टू सेटल बिजनेस। अब उसे पता चलता है मार्गरेट के निकोलस हिगिंस से कि वो मार्गरेट का भाई था और वो भी अपने बिजनेस को छोड़ करके लंदन आ जाता है अपने दूसरे बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस अफेयर विद मार्गरेट। व्हेन मार्गरेट प्रेजेंट्स थॉर्नटन विद हर जेनरस बिजनेस प्रपोजल, जब उसे अपने जेनरस बिजनेस प्रपोजल उसके सामने रखती है, ही रिकॉग्नाइजेज दैट मार्गरेट इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट और एंटागोनिस्टिक टू हिम। अब उसे समझ में आता है कि मार्गरेट कभी भी उसके अपोजिट नहीं थी। He again proposes marriage and she has learned to love him. In the meantime, she accepts him. अब फिर से उसे शादी का प्रस्ताव रखता है और इस बार वो उसको स्वीकार कर
कर लेती है। तो ये नॉर्थ एंड साउथ था, केवल नॉर्थ एंड साउथ में देर इज अपोजिट नेचर ऑफ वर्किंग पीपल, अपोजिट थॉट ऑफ द पीपल, तो ये दोनों में मिलता है, एक साउथ इंग्लैंड एक नॉर्थ इंग्लैंड, इसलिए जो है साउथ से वो नॉर्थ इंग्लैंड में आते हैं। ये लास्ट नोवेल है, इंपॉर्टेंट नोवेल है इसका, वाइव्स एंड डॉटर्स, इसको और ख़त्म कर लेते हैं तो ये हमारा टाइम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट इज़ ए नोवेल बाई एलिजाबेथ गैस्किल, फर्स्ट पब्लिश इन द कॉर्नहिल मैगजीन एज ए सीरियल फ्रॉम अगस्त 1864 टू जनवरी 1866। इट वॉज पार्टली रिटेन वाइल्स गैस्कल वॉज स्टेइंग विद द सैलून हॉस्टेस, जब वो गैस्कल एक सैलून हॉस्टेस के रूप में काम कर रही थी तब लिखा गया था। मैं बता दूँ ये इनकम्प्लीट नॉवल है। मैरी एलिजाबेथ मॉल एट हर होम ऑन द रू डी बैक इन पैरिस, जब वो फ्रांस में थी, व्हेन मिसेस गैस्कल डाइड सडनली इन 1865। ये पूरा भी नहीं होता हुआ था कि गैस्कल की मृत्यु हो गई थी, एंड इट वॉज नॉट क्वाइट कम्प्लीट, एंड द लास्ट सेक्शन वॉज रिटन बाई फ्रेडरिक ग्रीनवुड। ये अंडरलाइन करना, जो उसका अंतिम पार्ट है वो फ्रेडरिक ग्रीनवुड ने लिखा था। द स्टोरी इज अबाउट मॉली गिब्सन, जो कहानी है एक मॉली गिब्सन की है, द ओनली डॉटर ऑफ ए विडो डॉक्टर लिविंग इन ए प्रोविंशियल इंग्लिश टाउन इन 1830। लगभग 1830 के दशक में एक डॉटर, विडो डॉटर की बेटी होती है मॉली गिब्सन, जिसकी कहानी है। नॉवल ओपन्स विद यंग मॉली गिब्सन हु हैज बीन रेज्ड बाय हर विडोड फादर डॉक्टर गिब्सन, सॉरी जो एक विदुर होता है डॉक्टर गिब्सन, उसने इसका पालन पोषण किया था ड्यूरिंग ए विजिट टू द लोकल एरिस्टोक्रेटिक ग्रेट हाउस ऑफ लॉर्ड एंड लेडी कैमनर मॉली लूजेज हर वे इन द एस्टेट एंड फॉल्स अस्लीप अंडर ए ट्री। अब होता क्या है कि जब वो एक एरिस्टोक्रेट लॉर्ड एंड लेडी कैमनर के घर जा रही थी, तो मॉली अपने रास्ते में भटक जाती है और एक पेड़ के नीचे सो जाती है। लेडी कैक्सहेवन, वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ द हाउस, उस घर की एक बेटी थी लेडी कैक्सहेवन, एंड मिसेज क्रिकपैट्रिक एंड एक्स गवर्नेस टू द कैमनर चिल्ड्रन, जो उनकी गवर्नर थी, फाइंड मॉली इन हर सम स्लम्बरिंग स्टेट एंड मॉली इज पुट टू बेड इन मिसेज क्रिकपैट्रिक्स रूम। वो बेचारे उसको पाते हैं सोते हुए, तो उसको उठा करके क्रिकपैट्रिक के कमरे में ले जाते हैं। देर आर एल्यूजन्स टू द लेटर लेटर एज मिस क्लेयर हर मेडन नेम। अब बाद में एक भ्रम हो जाता है टू द लेटर एज मिसिज क्लेयर, वो मिसिज क्लेयर उसको मान लेती है जो उसका मेडन नेम था। क्लेयर अपीयर्स टू बी ए काइंड वोमेन एंड अश्योर्स मॉली दैट शी विल वेक हर अप व्हेन इट इज टाइम फॉर द एंटोरेज टू लीव। अब क्लेयर जो है एक बहुत दयालु और मतलब एक अच्छी महिला होती है, और वो मॉली को अश्योर करती है शी विल वेक हर अप व्हेन इट इज टाइम फॉर एंटोरेज टू लीव, जब उसका जाने का समय होगा वो तभी उसको उठाएगी। हाउएवर शी फॉरगेट्स टू डू सो एंड मॉली इज स्ट्रैंडेड इन द मैंसन, हालांकि वो भूल जाती है ऐसा करना और मॉली जो है वही मैंसन उसी महल में रहती है। शी इज डिस्ट्रेस्ड एट द थॉट ऑफ स्पेंडिंग द नाइट एट द मैंसन, अब उसे डर लगा रहता है कि वो इस मतलब पूरी रात जो है इस महल में कैसे गुजारेगी। टू हर रिलीफ हर फादर अराइव टू कलेक्ट हर, लेकिन उसके पिता उसको लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। 7 years लेटर मॉली इज डिस्क्राइब्ड एज एन अट्रैक्टिव एंड रादर अनवर्डली यंग वुमन, 7 साल बाद वो थोड़ी और बड़ी होती है तो एक बड़ी सुंदर और अट्रैक्टिव महिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। विच अराउजेज द इंटरेस्ट ऑफ वन ऑफ हर फादर्स अप्रेंटिसेस मिस्टर कॉक्स, अब उसके पिता का एक जूनियर होता है अप्रेंटिस होता है जिसका नाम मिस्टर कॉक्स होता है, हु ऑल्सो स्टार्ट्स टू टेक इंटरेस्ट इन हर। मिस्टर गिब्सन डिस्कवर्स द यंग मैन्स सीक्रेट अफेक्शन एंड सेंड्स मॉली टू स्टे विद द हैमलीज ऑफ हैमली हॉल। अब जो डॉक्टर गिब्सन है उसको पता चल जाता है उस कॉक्स के सीक्रेट फीलिंग के बारे में, अफेक्शन के बारे में, और वो अपनी बेटी मॉली को हैमलीज के यहाँ ठहरने के लिए भेज देता है, अ जेंट्री फैमिली दैट परपर्टेडली डेट्स फ्रॉम द यू नो हेप्टार्की बट हूज सर्कमस्टेंसेज आर नाउ रिड्यूस्ड, मतलब एक जेंट्री होती है, एक जेंट्री फैमिली होती है दैट परपर्टेडली डेट्स फ्रॉम द हेप्टार्की, जो मतलब एक अच्छे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन अब जो है उनके जो सर्कमस्टेंसेज है वो रिड्यूस्ड हो गई हैं। मॉली फॉर्म्स अ क्लोज अटैचमेंट विद मिसिज हैमली, अब वो मिसिज हैमली के साथ वो थोड़ी बहुत नज़दीक हो जाती है, वो एम्ब्रेसिज हर ऑलमोस्ट एज ए डेड डॉटर, जो उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह उसको अपने गले लगाती थी। मॉली ऑल्सो बिफ्रेंड्स द यंगर सन रोजर, उसका जो छोटा बेटा होता है रोजर उससे भी वो बिफ्रेंड्स हो जाती है। मॉली इज अवेयर दैट एज द डॉटर ऑफ ए प्रोफेशनल मैन शी वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ सूटेबल मैच फॉर द सन्स ऑफ स्क्वायर हैमले, मतलब स्क्वायर हैमले स्क्वायर मतलब वो रईस लोग थे, वो एक प्रोफेशनल आदमी की बेटी है और वो
मतलब सी कैन नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल मैट, तो बड़ी समझदार महिला होती है मॉली. द एल्डर सन ऑसबॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए ब्रिलियंट मैरिज आफ्टर एन एक्सीलेंट कैरियर एट कैम्ब्रिज. जो उसका बड़ा बेटा होता है ऑसबॉर्न, वो बिकॉज ही वॉज कैम्ब्रिज एजुकेटेड, सो ही वॉन्टेड अ ब्रिलियंट मैरिज, मैरिज विद अ हाई प्रोफाइल पीपल. He is handsome, clever and more fashionable than his brother. वो अपने छोटे भाई से ज़्यादा handsome, clever और fashionable था. However, he had performed poorly at university. हालांकि university में बहुत अच्छी performance उसकी नहीं रही, breaking the hearts of his parents. जिससे उसके जो family वाले उसके parents जो थे वो थोड़े निराश होते हैं उससे. Molly accidentally discovers his great secret. और Molly को उसकी कुछ रहस्य भी पता चलता है. Osborne has married for love. टू अ फ्रेंच रोमन कैथोलिक एक्स नर्सरी मेड एनी, कि उसने एक फ्रेंच रोमन कैथोलिक एक्स नर्सरी मेड थी जिससे शादी कर रखी थी. होम ही हैज एस्टेब्लिश्ड इन ए सीक्रेट कॉटेज एज ही इज कन्विंस्ड दैट हिज फादर वुड नेवर एक्सेप्ट एनी एज हिज डॉटर इन लॉ. उसे ये पता था कि उसके पिता कभी भी एनी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो कहीं छुप करके कोई सीक्रेट एक कॉटेज में उसने उसको रखा हुआ था. During Molly's absence from the house, जब Molly की अनुपस्थिति में Mr. Gibson contemplates a second marriage. अब Mr. Gibson दूसरी शादी का प्रयास करता है. He expects that marriage will improve his domestic comfort and provide Molly with a mother. वो सोचता था कि जब वो अगर शादी कर लेगा तो उसको घर के कार्यों में थोड़ी राहत मिलेगी और Molly को एक माँ मिल जाएगी. Figure to shield her from influence such as Mr. Cox or Mr. Cox के प्रभाव से भी वो मुक्त होगी. He finds Miss Clare ideally matched to his requirements and recalls her apparent kindness to Molly many years ago. अब उसे Mrs. Clare जो मिलती है ideally matched, उसे लगता है कि वो ज़्यादा ठीक है, to his requirements and recalls her apparent kindness to Molly, क्योंकि Molly के लिए भी बड़ी kind रही है कुछ साल पहले जब वो उस मेंशन में थी. Molly remembers her from her previous encounter and his little love for her. Molly उसको पहले से ही जानती थी, पसंद करती थी, क्योंकि उस मेंशन में उसने उसकी केयर की थी. For her father's sake, she does her best to get on with her socially ambitious and selfish stepmother. मतलब अपने पिता के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है कि अपने स्टेप मदर के साथ वो socially पूरी तरह से मिक्सअप होने के लिए तैयार है. But the home is not always happy. लेकिन घर में हमेशा प्रसन्नता नहीं रहती. However, Molly does find an ally in her new step sister, Cynthia. उसकी एक बहन होती है Cynthia. वो इज़ अबाउट द सेम एज ऑफ मॉली, मतलब उसकी पहली शादी से होती है, तो वो मॉली की उम्र की होती है. टू गर्ल्स आर स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, दोनों के जो विचार हैं जो शिक्षा है वो अलग अलग होती है. सिंथिया इज़ फार मोर वर्ल्डली एंड रिबेलियस देन मॉली, वो ज़्यादा रिबेलियस, ज़्यादा सांसारिक है. हु इज़ निवाया एंड स्लाइटली ऑकवर्ड, थोड़ी सी वो भयभीत है. सिंथिया हैज़ बीन एजुकेटेड इन फ्रांस, सिंथिया की जो शिक्षा हुई है फ्रांस में हुई है. And it gradually becomes apparent that she and her mother have secrets in their past. और ये भी पता चलता है कि उनका भी कोई पास्ट है. Involving the land agent from the great house, Mr. Preston, who is rumored to be the gambler and scoundrel. कहीं लगता है कि जो एक एजेंट था, लैंड एजेंट था मिस्टर प्रेस्टन, उसके साथ मतलब कहीं उनका सीक्रेट पास्ट था जो गैम्बलर भी था, स्काउंड्रल भी था. Osborne Hamley's failures make his invalid mother's illness worse. And widens the divide between him and his father. अब Osborne का जो असफलता है उससे उसकी माँ जो है वो बीमार हो जाती है, और इससे उसके पिता और उसके Osborne के बीच में जो है दूरी बढ़ जाती है. Which is amplified by the considerable debts Osborne has run up to maintaining his secret wife. अब Osborne को अपनी secret wife को भी maintain करना था, तो उस पर कर्ज हो जाता है. Mrs. Hamley dies, और इसी बीच में उसकी माँ Mrs. Hamley की डेथ हो जाती है. द ब्रीच बिटवीन द स्क्वायर एंड हिज एल्डर सन सीम्स इनरिपेरेबल, और उनके बीच में जो दूरी थी वो हमेशा के लिए बढ़ जाती है. यंगर सन रॉजर कंटिन्यूज टू वर्क हार्ड एट यूनिवर्सिटी, जो छोटा बेटा था वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है. एंड अल्टीमेटली गेंस द ऑनर्स एंड रिवार्ड्स दैट वर एक्सपेक्टेड फॉर हिज ब्रदर, जो उसके भाई से उम्मीद थी वो पूरा करता है, वो ऑनर से पास होता है. Mrs. Gibson tries unsuccessfully to arrange a marriage between Cynthia and Osborne. अब जो Mrs. Gibson Mrs. Gibson थी जिसका नाम Clare था, अब वो unsuccessfully कोशिश करती है कि Cynthia और Osborne की शादी हो जाए. As her aspirations include having a daughter married to landed gentry. Right, क्योंकि वो चाहती थी, हर माँ चाहती है कि उसकी जो बेटी है वो अच्छी जगह पहुँचे. Molly, however, has always preferred Roger's good sense and honorable character and soon falls in love with him.
अब मॉली जो है वो रॉजर की तरफ पहले से भी आकर्षित थी, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी, अपनी सेंस पता थी कि सी इज द डॉटर ऑफ ए डॉक्टर और प्रोफेशनल एंड सी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन स्क्वायर्स फैमिली। अनफॉर्चुनेटली रॉजर फॉल्स इन लव विद सिंथिया और रॉजर, मॉली जो है रॉजर से प्रेम करने लगती है, लेकिन रॉजर को सिंथिया से प्रेम हो जाता है। एंड व्हेन मिसेस गिब्सन ओवरहियर्स दैट ऑसबॉर्न मे बी फेटली इल, और जब गिब्सन को पता चलता है, मिसेस गिब्सन को, कि ऑसबॉर्न बीमार हो गया है, शी बिगिंस प्रमोटिंग द मैच। अब वो उस मैच को और प्रमोट करती है जस्ट बिफोर रॉजर लीव्स ऑन ए 2 ईयर साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अफ्रीका। इसी बीच में रॉजर जो है वो 2 साल के अभियान पर अफ्रीका जाता है। ही आस्क्ड फॉर सिंथियाज हैंड एंड शी एक्सेप्ट। अब जो ऑसबॉर्न है वो सिंथिया का हाथ मांगता है और स्वीकार कर लेती है। ऑल्दो शी इंसिस्ट दैट देयर एंगेजमेंट वुड रिमेन सीक्रेट अंटिल रॉजर रिटर्न्स, कि जब तक रॉजर नहीं आता तब तक उनकी एंगेजमेंट सीक्रेट रहेगी। मॉली इज हार्ट ब्रोकन एंड स्ट्रगल्स विद हर सॉरो एंड हर नॉलेज दैट सिंथिया लैक्स अफेक्शन फॉर प्लेजर। अब मॉली का दिल टूट जाता है और वो इस बात के लिए संघर्ष करती है इस दुख के साथ में, एंड हर नॉलेज दैट सिंथिया लैक्स, की सिंथिया के मन में जो रॉजर के लिए प्रेम नहीं है। ठीक है, सिंथिया रिवील्स टू मॉली दैट सेवरल ईयर्स बिफोर व्हेन शी वाज जस्ट 15 she promised herself to Mr. Preston following a loan of 20 pounds that she needed for a party dress. अब सिंथिया मॉली को एक बात बताती है कि लगभग जब वो 15 साल की थी तो मिस्टर प्रेस्टन से उसने 20 पाउंड्स लोन लिया था अपनी ड्रेस के लिए, एंड मिस्टर प्रेस्टन इज स्टिल ऑब्सेस्ड विद सिंथिया। मिस्टर प्रेस्टन जो है वो सिंथिया को पाना चाहता था, बट शी हेट्स एंड फियर्स हिम फॉर द पावर ही होल्ड्स ओवर हर, कि वो उस पावर से डरती थी जो पावर उस पर रखना चाहता था, namely the letter she wrote to him at this period promising to marry। उसने उसको कुछ पत्र लिखे थे जिससे जो है वो मतलब letters जो लिखे थे कि उससे शादी करेगी। Molly intervenes on Cynthia's behalf and managed to break off the engagement and get back the letter। तो Molly जो है वो Cynthia के की तरफ से उससे intervene करती है, उसमें कहीं ना कहीं जाकर के बीच में रुकावट बनती है और वो letters वापस ले लेती है। However, this creates rumor that she is involved with Preston। हालांकि इससे एक रूमर हो जाता है कि वो प्रिस्टन से जो है वो इन्वॉल्व है प्रिस्टन के साथ में, कॉजिंग हर टू बी द सब्जेक्ट ऑफ मेलेशियस गॉसिप, और वो उसके बारे में लोग और उल्टी सीधी बात करने लगती है। दिस लीड्स टू एन इमोशनल सीन इन विच बोथ डॉक्टर गिब्सन एंड मिसेस गिब्सन डिस्कवर सिंथियाज इन्वॉल्वमेंट विद प्रिस्टन। अब इससे क्या होता है कि डॉक्टर गिब्सन और मिसेस गिब्सन दोनों को सिंथिया के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चल जाता है मिस्टर प्रिस्टन से। After this, Cynthia breaks off her engagement to Roger, और इसी बीच Cynthia जो है Roger से अपनी engagement तोड़ लेती है, sustaining rebukes and insults for her inconsistency, then quickly accepts the marriage to Mr. Henderson। वो क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेइज्जती होगी, अपमान होगा, और वो फटकार लगती है उसको, और तुरंत वो Henderson से शादी कर लेती है, a professional gentleman she met in London। एक professional gentleman होता है जिससे वो London में मिलती है। Molly's reputation is only restored after she goes driving with Lady Harriet Cumnor। अब मॉली की जो रेपुटेशन है जब वो लेडी हैरियट कमनर के साथ जाती है तो फिर से उसकी वही जब मिल जाती है वापस। हु इज वेल अवेयर ऑफ हाउ फिकल पब्लिक ओपिनियन कैन बी, अब उसे पता चलता है कि लोगों की राय कुछ नहीं होती, वो बहुत जल्दी बदल जाती है, एंड वॉन्ट्स टू हेल्प मॉली, वो भी मॉली की मदद करना चाहती थी। ऑसबॉर्न ill and convinced that he will die soon। अब ऑसबॉर्न बीमार होता है, उसको पता चलता है कि वो जल्दी मरने वाला है। begs Molly to remember his wife and child when he is gone। वो कहती है, कहता है मॉली से कि भाई जब मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे का, मेरी पत्नी का ध्यान रखना। ऑसबॉर्न dies shortly thereafter। ऑसबॉर्न की डेथ हो जाती है, मॉली reveals the existence of his wife and child to the grieving Squire Hamley। वो Squire Hamley से उसकी अपने बेटे के, पत्नी और बच्चे के बारे में बता देती है। Osborne's widow Emmy arrives at Hamley Hall after receiving word that her husband is ill, bringing with her their little son। वो अपने बेटे को लेकर वापस आती है, उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है वो बीमार है। ठीक है, दिस चाइल्ड लिटिल ऑसबॉर्न इज नाउ द हेयर ऑफ हैमली हॉल। अब जो छोटा बच्चा ऑसबॉर्न है वो हैमली हॉल का वारिस है। रॉजर हैज रश्ड होम टू बी विद हिज फादर, वो वापस अपने पिता के साथ के लिए आता है। हिज अफेक्शन एंड गुड सेंस हेल्प द स्क्वायर टू सी द पॉसिबल जॉय टू बी हैड इन दिस न्यू फैमिली, स्पेशली द ग्रैंड। ही मैनेज टू ओवरकम हिज यू नो जैनोफोबिया एंड प्रिजुडिस अगेंस्ट एमीज कैथोलिसिज्म एंड आस्क देम व्हाट टू लिव विद देम। वो सब माफ कर देते हैं, वो कैथोलिक थे, लेकिन उसके बाद भी दे बिकम टुगेदर। एज ही रीसेटल्स इन टू द लोकल साइंटिफिक कम्युनिटी,
रॉजर बिगिंस टू रियलाइज दैट हिज अफेक्शन फॉर मॉली इज मोर देन दैट ऑफ ए ब्रदर फॉर हिज सिस्टर। अब वो देखता है कि रॉजर महसूस करता है कि रॉजर का जो अफेक्शन है मॉली के लिए वो भाई बहन की तरह नहीं, वो कुछ और तरह से है। एडेड बाय द काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लेडी हैरियट हु हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड मॉलीज वर्थ एंड चांस। अब जो लेडी हैरियट है वो इस बात को पहले से ही समझती थी। एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ पेन्ड एट द थॉट ऑफ मॉली विद एनीवन एल्स। अब जब कोई मॉली की किसी और के लिए बात होती थी तो उसको कहीं दर्द होता था। स्टिल ही हेजिटेट्स एट गिविंग इन टू हिज फीलिंग, फिर भी वो अपनी फीलिंग बताने में हेजिटेट करता है। फीलिंग अनवर्दी ऑफ हर लव आफ्टर थ्रोइंग अवे हिज अफेक्शन ऑन द फिकल सिंथिया। बिफोर ही रिटर्न टू अफ्रीका ही कन्फाइड्स हिज फीलिंग टू मिस्टर गिब्सन हु हार्टली गिव्स हिज ब्लेसिंग टू द एलियन। इससे पहले अफ्रीका से लौटने से पहले वो अपनी मन की बात मिस्टर गिब्सन को बता देता है और वो हार्टली इस बात के लिए तैयार हो जाता है। रॉजर इज थ्वार्टेड दिस टाइम बाय ए स्कारलेट फीवर स्केयर इन हिज अटेम्प्ट टू स्पीक टू मॉली बिफोर ही लीव्स। मतलब वो मॉली से बोलते समय उसको जो है मतलब एक तरह से फीवर हो रहा था। फीवर का मतलब एक उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से सेटल नहीं था। एट दिस पॉइंट गैस्कल्स नोवल स्टॉप्स, और यहीं पर गैस्कल का ये नोवल रुक जाता है। अनफिनिश्ड एट हर डेथ, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है। शी रिलेटेड टू अ फ्रेंड दैट शी हैड इंटेंटेड रॉजर टू रिटर्न द प्रेजेंट मॉली विद ए ड्राइड फ्लावर अ गिफ्ट मॉली गेव हिम बिफोर हिज डिपार्चर। लेकिन वो अपने फ्रेंड के माध्यम से उसको फूलों का गुलदस्ता पहुंचाती है एज प्रूफ ऑफ हिज एंड्यूरिंग लव, जो उसके प्रेम का सबूत होता है। दिस सीन वॉज नेवर रियलाइज्ड एंड नोवल रिमेन्स अनफिनिश्ड इन द बीबीसी एडेप्टेशन। द अल्टरनेटिव एंडिंग वॉज रिटन इन विच रोजर इज अनेबल टू लीव मॉली विदाउट स्पीकिंग ऑफ हिज लव एंड दे मैरी एंड रिटर्न टू अफ्रीका टूगेदर। बाद में जो उसको पूरा किया जाता है उसमें सिर्फ इतना किया जाता है कि वो उसके बिना जाता नहीं है और उसको उसे शादी करके फिर दोनों अफ्रीका चले जाते हैं। तो ये दिस इज द यू नो वाइव्स एंड डॉटर्स, इट मीन्स इट हैज़ बीन टोल्ड द ड्यूटी ऑफ ए वाइफ एंड अ डॉटर एंड सी यू नो मॉली वॉज अ वेरी फेथफुल एंड वेरी यू नो ड्यूटीफुल डॉटर एज वेल एज शी बिकम्स वाइफ। तो ये आपका गैस्कल के बढ़िया नॉवेल्स हैं सारे। अब जो है लगभग 4-5-6 नॉवेल्स और बचे हुए हैं, 4-5 राइटर्स छोटे छोटे और बचे हुए हैं, जिसमें एक तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं और ब्रॉन्टे सिस्टर्स में 3 सिस्टर्स के 2 नॉवेल्स, एक जेन आयत और एक विदरिंग हाइट्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो हम लगभग कल की क्लास में कम्प्लीट करेंगे। हार्डली 2-3 क्लासेस विल बी हेल्ड फॉर दिस एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर मॉडर्न एज एंड मॉडर्न एज विल ऑल्सो टेक 10-15 क्लासेस, राइट। तो ये हमारा पार्ट लगभग 15 दिन और लेगा, 15 दिन में हम लोग इनको बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स है यू कैन कीप इन योर यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन आस्क मी एनी वेयर आइदर कॉलिंग मी और लाइक एज यू वॉन्ट। मुझे लग रहा है कि भाई बच्चे आज भी कम जुड़ पाए इसमें। ओके चलिए भाई ठीक है, तो कल फिर इसी समय मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है एंड समटाइम्स ऐसा लगता है कि जैसे मैं 1-2 दिन में वैसे आई स्टार्ट माई ऑफिस ऑल्सो, अगर कुछ रेगुलर क्लास का हो पाया देन वी कैन थिंक ऑफ ऑल्सो दैट। ठीक है चलिए, ओके थैंक यू वेरी मच।